लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। पटरी में दरार के कारण सीमांचल एक्सप्रेस के 11 डब्बे ट्रैक से उतरे। बिहार के हाजीपुर में रविवार की सुबह एक बड़ा रेल हादसा हुआ है। सीमांचल एक्सप्रेस के 11 डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। दुर्घटना में कम से कम 6 लोगों के मरने की खबर है, जबकि 29 अन्य घायल हो चुके हैं। रेलवे और पुलिस के अधिकारियों के मुताबिक जोगबनी आनंद विहार सीमांचल एक्सप्रेस दिल्ली आ रही थी। किशनगंज जिले के जोगबनी से यह एक्सप्रेस रवाना हुई और तड़के करीब 4 बजे वैशाली जिले के सहदेई बुजुर्ग रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन के 11 डिब्बे पटरी से उतर गए। सरकारी रेलवे पुलिस ने बताया है कि हादसे में 29 लोग घायल हुए हैं। इनमें से 2 की हालत अभी भी गंभीर है और 27 अन्य को हल्की चोटें आई है। प्राथमिक उपचार के बाद घायलों को मुजफ्फरपुर और पटना रेफर कर दिया जाएगा। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने दुर्घटना में मारे गए लोगों के लिए शोक व्यक्त करते हुए कहा है कि अनुग्रह और सहायता की राशि की घोषणा कर दी गई है। गोयल के कार्यालय ने ट्वीट किया है कि मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। गंभीर रूप से घायल में से प्रत्येक को 1-1 लाख रुपए, जबकि कम जख्मी लोगों को 50-50 हजार रूपए की सहायता राशि दी जाएगी। सभी घायलों के इलाज का खर्च रेलवे वहन करेगा। पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने कहा है कि पहली नजर में यह हादसा पटरी में आई दरार के कारण हुआ है। इसकी जांच सीआरएस लतीफ खान करेंगे। उन्होंने कहा है कि हादसे में सुरक्षित बचे 12 डिब्बे सहित ट्रेन को सुबह 9:52 पर रवाना कर दिया गया। इसमें आगे और 11 डिब्बे जोड़े जाएंगे। उन्होंने बताया है कि सभी यात्रियों को चाय, भोजन और पीने का पानी उपलब्ध कराया गया है। उन्होंने यह भी बताया है कि जो लोग ट्रेन से आगे की यात्रा पूरी नहीं करना चाहते, उनके पैसे वापस करने का भी इंतजाम कर दिया गया है। रेलवे की तरफ से हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया है। सोनपुर के लिए 0615-822-1645, हाजीपुर के लिए 0622-427-2230, बरौनी के लिए 0627-923-2222, पटना के लिए 0612-220-2290। रेलवे ने पहले मरने वालों की संख्या 7 बताई थी, लेकिन बाद में स्पष्टीकरण जारी करते हुए मृतकों की संख्या 6 बताई है। पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया है कि वैशाली जिले के अस्पतालों के साथ संवादहीनता के कारण यह गड़बड़ी हुई। अस्पताल में एक मृत व्यक्ति की गिनती हादसे में मारे गए लोगों के साथ हो गई थी। बाद में सत्यापन के दौरान यह पता चला कि व्यक्ति ट्रेन का यात्री नहीं था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी दुख जताया है। उन्होंने कहा कि सीमांचल एक्सप्रेस की बोगियों के पटरी से उतरने के कारण लोगों की हुई मौत से वह काफी दुखी है। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ है। घायलों को शीघ्र ही स्वस्थ होने की कामना करता हूं और रेलवे, एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन हर संभव उन्हें मदद करेगा।